आद सच जगद सच है भी सच नानक होसी भी सच हे प्राणनाथ गोविंदे कृपाल धान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे चरण योग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव गुरु रूप सत्संग जीओ गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। सतगुरु जी का जीवन आप श्रवण कर रहे हो। पातशाह भाई गुरदास जी जो गुरु गोविंद सिंह महाराज के बारे में एक पंक्ति के अंदर सतगुरु जी के सारे जीवन की व्याख्या करते हैं, आप पिछले दो दिनों से विचार श्रवण कर रहे हो, कुछ विचार और आप जी के सन्मुख रख सकूं उससे पहले प्यार सहित फतेह प्रवान करनी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी एक भाई गुरदास गुरु अर्जन देव जी के समय में हुए हैं, एक भाई गुरदास गुरु गोविंद सिंह के समय में हुए हैं, जिन्होंने सतगुरु जी की सिफ्त करते हुए उस्तत करते हुए भाई साहब कहते हैं कि वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोविंद सूरा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जो प्रकट हुए हैं संसार में पुरख, जो हर जगह पर पूरा है, अधूरा नहीं है, हर जगह पर जहां भी याद करें वो पहुंच जाते हैं। पूरी पूरी बसंता सा पुरखा शास्त्रों में लिखा हुआ, ऐसी महान शक्ति जो हर पुरी के अंदर हर जगह में जो मौजूद हो उसे पुरख कहा जाता है। भाई साहब कहते हैं वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप परमात्मा का रूप। भगवंत रूप कौन? गुरु गोविंद सूरा। सूरा कहते हैं शूरवीर को, बहादुर को। शूरवीर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? हम शूरवीर किसको कहेंगे? शूरवीर कौन है? कुछ गुण आपने श्रवण किए हैं पिछले दो दीवानों में। सो सूरा वर्याम जिन विचों दुष्ट अहंकरण मारिया, जिसने अपने अहंकार को मार लिया वो शूरवीर है। सत संतोखी सतगुर पूरा गुरु का शब्द मने सो सूरा, जो गुरु का हुक्म मान ले वो शूरवीर है। जो गुरु का हुक्म मानता है वो शूरवीर है।
जिसने पांच विकारों को मार कर अपने मन को वश में कर लिया है। पांच विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। चार वरण चहुआ के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे, सुंदर सुगढ़ स्वरूप सियाने पांचों ही मोहे छलीरे। इन पांच विकारों ने बड़ी बड़ी हस्तियों को छल लिया है, यहाँ तक कि देवी देवते भी बच नहीं सके हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने कई कई सालों तक तपस्या की, इन पांच विकारों ने उनको भी परास्त कर दिया है। आप इतिहास पढ़ सकते हैं ऋषि मुनियों का। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने इन पांचों ही विकारों को मार कर अपने वश में किया था। सुबह मैंने सारी व्याख्या आपको श्रवण कराई है। जिन मिल मारे पंच शूर वीर, ऐसो कौन बलीर। ऐसा कौन बलवान है इस संसार के अंदर जिसने पांचों ही विकारों को मार लिया हो और अपने बस में कर लिया हो? है कोई ऐसा? केवल गुरु गोविंद सिंह महाराज। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के सारे जीवन में न कहीं काम दिखाई देता है, न क्रोध दिखाई देता है, न मोह दिखाई देता है, न लोभ दिखाई देता है, न अहंकार दिखाई देता है। जिन मिल मारे पंच शूरवीर, ऐसो कौन बलीर। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो ऐसा एक कलीर। जिसने पांचों को वश में कर लिया हो वो महान शूरवीर है। अब कुछ और व्याख्या आपके सामने रखता हूँ शूरवीर के और कौन कौन से गुण हैं, क्योंकि गुरबाणी को हम आधार बनाएंगे और जीवन गुरु गोविंद सिंह महाराज का, सच्चे पातशाह जी का। सतगुरु की वाणी कहते हैं कि शूरवीर बचन के बली, कौला बपरी संति छली। जो आदमी अपने वचनों की पालना करता है वो आदमी शूरवीर है। जिसकी जबान से कोई शब्द निकले हैं, एक बार जो शब्द जबान से निकल गए उन शब्दों को फिर पूरा करना, जो कह दिया ना उसको फिर पूरा करके दिखाना। जैसे श्री राम के जीवन में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो अपने वचनों की पालना करता हो, चाहे प्राण चले जाए, अपना शीस चला जाए, लेकिन अपने वचन से कभी मुकरे ना, भागे ना कभी। जो कह दिया है फिर उसके ऊपर कायम रहे वो। जो एक बार जुबान से शब्द निकल गए हैं उसके ऊपर फिर पूरा पहरा दे, उसके ऊपर कायम रहे। महाराज कहते हैं वो आदमी शूरवीर है जो वचनों की पालना करता है। लेकिन हम जब अपना जीवन हम देखते हैं ना, हम अरदास करते हैं गुरु चरणों में, इस सच्चे पातशाह जी में अमृत वेले उठूंगा, वाणी पढ़ूंगा, दूसरे दिन फिर सब कुछ भूल जाते हैं हम। मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने पाठ करूंगा, मैं 40 दिन नंगे पांव गुरुद्वारे आऊंगा, 40 दिन सुखमनी साहब का पाठ करूंगा, 40 दिन जपजी साहब पढ़ूंगा, कहते ना लोग। पर ये पता नहीं किसने चला दिया 40 दिन का नियम। क्या 40 दिन रोटी खाएंगे बाद में नहीं खाएंगे हम? पता नहीं किसने ये भेड़ चाल, एक भेड़ जिधर गई सारी भेड़े उसके पीछे चल पड़ी है। 40 दिन नित्यनेम करूंगा, 40 दिन गुरुद्वारे आऊंगा, क्या श्वास भी 40 दिन लेगा फिर? उसके बाद नहीं लेगा फिर तो? अगर श्वास
रात दिन चल रहे हैं तो रात दिन परमेश्वर का सिमरन भी चलना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं किसने और कैसे ये तरीके निकाल लिए लोगों को मूर्ख बनाने का। होना तो ये चाहिए था कि गुरमुख रोम रोम हर त्यागे। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर हमें मनुष्य जीवन दिया है, उस परमात्मा का सिमरन हम 24 घंटे करें उसको हर वक्त। जिसकी जिंदगी में परमात्मा का सिमरन नहीं है उसको तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए। जिसकी जिंदगी में परमेश्वर का सिमरन नहीं है, गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जगाए राम राजी। जिसने परमात्मा का ऐसा नाम उसका सिमरन नहीं किया है उस आदमी को तो संसार में आना ही नहीं चाहिए। वो क्यों आया है? गुरबाणी कहती है, महाराज कहते हैं, ऐ शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। तू संसार में आया तो है पर संसार में आकर तूने कर्म कौन से किए हैं, कमाई कौन सी की है तूने? सिमरन किया उसका जब तू गर्भ के अंदर था, उस वक्त तो तू अरदास करता था भी सच्चे पातशाह इस कुंभी नरक से मुझे बाहर निकाल, मैं संसार में आकर तेरे नाम का सिमरन करूंगा। पर जो ही इंसान संसार में आता है किए हुए वादे सब भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। हम परमात्मा से बहुत कुछ कह कर आए हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। हम तो अपनी जुबान के इतने कच्चे हैं कि इधर मुंह से कोई बात निकले नहीं, 2 मिनट के अंदर ही पलट जाते हैं उससे। 2 मिनट में बच्चों की पालना करना बड़ा मुश्किल काम है। जो बात एक बार जुबान से निकल गई ना, उसके ऊपर फिर पूरा पहरा देना। हम तो सोचते भी नहीं है कि हमने कहा क्या है, हम तो बात बात में पलट जाते हैं। थोड़ा सा कहीं लालच दिखाई दे तो हम अपनी बात से पलटते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाते हैं। कई वादे हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज से करते हैं भी सच्चे पातशाह मेरा कारोबार चल पड़े तो मैं फिर तेरे चरणों में आया करूँगा, नितनेम करूँगा, वाणी पढ़ूंगा, सत्संगत करूँगा। जब आदमी का कारोबार चल पड़ता है ना तो फिर वही आदमी कहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे आऊँ। भूल जाता है ना, जब समय खराब चल रहा था उस वक्त तो तू कह के गया था भी सच्चे पातशाह कृपा करो तो मैं आपके चरणों में आया करूंगा। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने घर में गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश किया हुआ था। घर के अंदर बड़ी सेवा करते थे वो, सुबह उठते थे नित्यनेम करना, महाराज का प्रकाश करना। उनकी जो वाइफ थी उसकी नौकरी लग गई, फिर महाराज ने और कृपा की, उनके बच्चों की भी नौकरी लग गई। थोड़े दिन बाद जब मैं गया उनके पास तो उनके घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं था, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं था, वो कमरा खाली पड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश था तो अब क्यों नहीं है? कहते ज्ञानी जी, पहले तो हम फ्री थे तो सेवा करते थे, अब महाराज ने कृपा की है, नौकरियां लग गई हैं, अब समय नहीं है हमारे। जिस गुरु ने कृपा की है और इतना कुछ जिसने दिया है, आज उसी गुरु के लिए हमारे पास समय नहीं है। उस गुरु के लिए शूरवीर बचन केवल,
हम अपनी बात से एक सेकंड में मुकर जाते। चलो एक छोटी सी गाथा आपको श्रवण कराता हूँ, कैसे हम अपनी बात से मुकर जाते हैं। मैंने अखबार में पढ़ा था, ये एक आदमी कंजूस था बहुत। उसने देखा भी नारियल बहुत अच्छे पेड़ पर हैं, चढ़ गया ऊपर लालच में भी, चलो नारियल मुफ्त के तोड़ के खा लूं मैं। जब वो ऊपर पहुंच के दो नारियल उसने तोड़ लिए ना, तेज हवा चलने लग गई। नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है, उसको डर लगा भी कहीं गिर ना जाऊं, हाथ पैर ना टूट जाए, मर ना जाऊं। अब उसके अंदर से फिर अरदास निकलती है कि हे सच्चे पातशाह, कृपा कर, अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो 101 कंबल गरीबों में बांटूंगा मैं। अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो। डरता हुआ वो थोड़ा सा नीचे आया तो कहते हैं, महाराज 101 तो ज्यादा हो जाएंगे, 51 कंबल तो दूंगा ही सही में गरीबों को। जब थोड़ा और नीचे आ गया तो कहते हैं, महाराज इतने क्या करोगे, 31 दे दूंगा मैं। थोड़ा और नीचे आया तो कहता है कि 21 दे दूंगा मैं। फिर जब सही सलामत नीचे आ गया तो कहते हैं, महाराज 21 भी क्या करने, 5 तो मैं जरूर दे दूंगा मैं, 5 कंबल गरीबों में जरूर बांटूंगा मैं। दुकान पे गया, दुकानदार के पास भीड़ बहुत थी वहां पर। उसने जाकर कहा भी जल्दी से मुझे 5 कंबल दे दो, मुझे जाना है, जल्दी दे दो। दुकानदार के पास भीड़ थी बहुत। उसने कहा 2 मिनट रुक, अभी देते हैं, जरा हाथ फ्री हो जाए मेरा। कहता नहीं, जल्दी दे दो 5 कंबल, मुझे बहुत जल्दी है। दुकानदार ने पूछा कि ऐसी कौन सी जल्दी है, ना तो गर्मी का मौसम है, ना बरसात गिर रही है, तो आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, इतनी जल्दी किस बात की है। कहता है 101 से सिर्फ 5 रह गए हैं, इससे पहले कि ये 5 भी चले जाए, फटाफट दे दे मुझे 5 कंबल, कहीं ये भी ना चले जाए। आदमी इस तरह से ज्यों ज्यों सुखों के अंदर आदमी गलतान होता है, किए हुए वादे आदमी सब भूल जाता है, जो कह के आया ना सब भूल जाता है। लेकिन जो अपने वचनों की पालना करता है, जो अपने वचनों के ऊपर कायम रहता है, वो आदमी दुनिया के अंदर शूरवीर कहलाता है, वो जो अपने वचनों की पालना करता है। चलो मैं ज्यादा विस्तार भी ना करूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने जितने भी अपने खालसे के साथ, पंथ के साथ जितने भी वचन सतगुरु ने किए थे ना, एक एक वचन को सतगुरु जी ने पूरा करके दिखाया है, एक एक वचन को। जिस दिन महाराज सच्चे पातशाह जी ने 5 प्यारों को अमृत पान कराया था, जब अमृत पान कराया ना, तो 5 प्यारों को अमृत पान कराने के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 प्यारों से फिर अमृत की याचना की है। भाई जिस तरह से मैंने आपको अमृत छकाया है, इसी तरह से अब आप मुझे अमृत पान कराओ और गोविंद राय से गोविंद सिंह बना दो। कई लोग मुझसे कहते हैं भी अमृत छकने की क्या जरूरत है, मन साफ होना चाहिए हमारा। तो मन कौन से साबुन से साफ कर लेगा तू, मन कौन से जादू से साफ करेंगे हम? क्या गुरु गोविंद सिंह जी का मन साफ नहीं था जिन्होंने अमृत पान किया है? क्या माता गुजर कौर जी का मन साफ नहीं था जिन्होंने अमृत पान किया है? क्या साहबजादों का मन साफ नहीं था जिन्होंने अमृत पान किया है? लेकिन हम बहाने ढूंढ लेते हैं भी मन साफ होना चाहिए। मन किसी जादू से साफ होने वाला नहीं है, बाणी पढ़ेंगे, बाणा पहनेंगे, तब हमारा मन साफ होगा
क्योंकि महाराज कहते हैं परिये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। केवल एक ही साबुन है जिससे हमारा मन साफ हो सकता है, और कोई साबुन काम नहीं करेगा। पर हम बहाने बना लेते हैं भी मन साफ होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने खालसे से कहा भी, मुझे भी अमृत पान कराओ, जैसे मैंने आपको अमृत पान कराया है ऐसे ही आप मुझे भी अमृत पान कराओ। गुरु खालसा, खालसा गुरु है अब, जैसे गुरु नानक जी अंगद को कीने, शंका न कीजे सावधान होए दीजे, अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीने हो। जैसे आपने अमृत लिया है ना, अब मुझे भी इस तरह से अमृत पान कराओ। तो पांच प्यारों के जो जथेदार जी थे भाई साहब भाई दया सिंह जी, वो कहते महाराज कि हमने अमृत लिया है अपना शीश देकर, क्योंकि उनके शीश गुरु साहब के चरणों में भेंट किए थे, तब उनको फिर अमृत पान की दात मिली थी। महाराज अपने हमने अपना शीश देकर अमृत लिया है, आप अमृत मांग रहे हो तो आप हमें क्या दोगे? गुरु गोविंद सिंह महाराज से कह रहे हैं, हमने अपना शीश देकर अमृत लिया है महाराज, आप हमें क्या दोगे? महाराज कहते हैं कि आपने अपना एक एक शीश देकर अमृत लिया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने खालसे के ऊपर से अपना सर्वंश कुर्बान कर दूंगा। मैं ऐसे ही अमृत नहीं मांग रहा हूं, मैं इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया, जीवत कई हजार, इन हजारों को जिंदगी देने के लिए अगर मुझे अपना सर्वंश भी कुर्बान करना पड़ा तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो महाराज ने वचन किया था कि जरूरत पड़ी तो मैं अपना सर्वंश कुर्बान कर दूंगा, गुरु गोविंद सिंह ने अपने वचन की पालना की, सारा सर्वंश सदगुरु ने कुर्बान कर दिया। अभी दिसंबर में हमने ये सारे गुरुपुरब मनाए हैं। सिखों ने पूछा, महाराज आपने पांच प्यारों की साधना की है, आखिर ये आपने किया क्या है? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बड़े मान के साथ कहा था कि ये खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ परो निवास। ये जो रूप मैंने तैयार किया है, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं मैंने अपना रूप तैयार किया है, मेरा रूप, और महाराज कहते हैं कि इसमें रंचक मात्र भी कोई शंका नहीं है कि खालसा मेरा अपना रूप है। महाराज को कसम खानी पड़ी कि कहीं मेरे सिखों में कोई शंका पैदा ना हो जाए कि गुरु कह रहा है कि तेरे रूप में और मेरे रूप में कोई फर्क नहीं है, कहीं शंका पैदा ना हो जाए। तो महाराज कहते हैं या में रंच न मिथ्या पाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। साखी कहते हैं किसी को साक्षी मानकर कोई बात कहना, तो मैं गुरु को साक्षी मानकर कहता हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं कि गुरु नानक साहब को साक्षी मानकर कहता हूँ कि जो बात मैंने कही है कि गुरु के सिख में और गुरु में कोई भेद नहीं है। जितने भी यहाँ पर साबत सूरत जिनके पास पांच ककार हैं, सुंदर दस्तार जिन्होंने सजाई हुई है, अमृत वेले जो वाणी पढ़ते हैं, गुरु का हुक्म मानते हैं, वो सारे के सारे रूप गुरु गोविंद सिंह के अपने रूप हैं। वो सारे रूप गुरु गोविंद सिंह के रूप हैं। वो महाराज ने सिर्फ कहा ही नहीं है, चलो मैं एक पंक्ति और आपको श्रवण कराता हूँ, हम पढ़ते हैं, पंक्तियां आपको जरूर याद होंगी। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला।
गुरु गोविंद सिंह गुरु भी है, गुरु होने के नाते उन्होंने सिखों को अमृत पान कराया, चेला होने के नाते उसी खालसे से फिर अमृत की याचना की, अमृत पान किया है। गुरु भी हैं और चेला भी है। वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। अब महाराज ने सिर्फ कहा ही नहीं है कि कह दिया हो, सदगुरु ने इन वचनों के ऊपर पहरा दिया है। जिस वक्त चमकोर की घड़ी के अंदर जब रात का वक्त था, खालसा आराम कर रहा है, गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने स्थान पर हैं। मैंने आपको श्रवण कराया था सारा, सिखों ने बेनती की थी कि आप आराम करो, पर सतगुरु जी की आंखों में नींद नहीं थी उस वक्त। गुरु गोविंद सिंह महाराज जब डेढ़ घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ तेरी रजा में, करतार से कहते थे गोया रू बरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। महाराज ने वो जो दो सिख पैरा दे रहे थे ना, मदन सिंह और कोठा सिंह, उन्होंने देखा कि सतगुरु जी बाहर आ गए, महाराज सोए नहीं अभी तक। वो आकर बोलने लगे और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने चुप करा दिया, भी बोलो नहीं, क्यों, आज मेरा खालसा आराम कर रहा है, आज मेरा खालसा आराम कर रहा है, बोलो नहीं। उन्होंने पूछा भी महाराज सच्चे पातशाह जी, इशारा किया भी आप आराम नहीं कर रहे, आप बाहर आ गए हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि बाकी जितनी रात है ना, आप दोनों भी जाकर आराम करो, आज की रात पहरा गुरु गोविंद सिंह देगा, तुम दोनों भाई भी जाकर आराम करो, जितनी रात अब बाकी है आज की रात पहरा गुरु गोविंद सिंह देगा। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई गुरु पीर या अवतार नहीं आया है कि जिसके शागिर्द या जिसकी उम्मत या जिसके सिख सो रहे हों और गुरु पहरा दे रहा हो। कभी सुना है आपने ऐसा कि गुरु पहरा दे रहा है और गुरु के सिख आराम कर रहे हों? दरअसल ये महाराज ने हमारे लिए एक मिसाल कायम की है, हमारे लिए, कि जिनके ऊपर धर्म की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर कौम की जिम्मेदारी है, उनका फर्ज बनता है कि वो आलसी ना बने, वो आराम ना करें, बल्कि रातों को जागकर अपनी कौम की पहरेदारी करें, कहीं कोई बाहर से हमला करके हमारी कौम को कोई नुकसान न पहुंचा दे। गुरु गोविंद सिंह जी पहरा देते हैं, पर आज हम देखते हैं कि हमारे जो समाज के जो बड़े बड़े नुमाइंदे होते हैं ना, चाहे वो राजनीतिक हों, नेता लोग हों, या वो कोई धनवान लोग हों, या वो कोई गुरुद्वारे कमेटी से संबंधित हों, मजे से अपना पेट भरा और सो गए, कौम भाड़ में जाए। सतगुरु जी पहरा देते हैं, लेकिन हमें कुर्सी से प्यार होता है, अपनी संगत से प्यार नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह ने मिसाल कायम की थी कि रातों को जागकर पहरा देना है, केवल चमकौर के अंदर नहीं, आनंदपुर साहब के अंदर भी गुरु गोविंद सिंह महाराज रात के समय में बिल्कुल साधारण कपड़े पहनकर और पहरा दिया करते थे शहर में घूम के, कहीं किसी सिख को कोई तकलीफ ना हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहीं कोई भूखा ना सोए, किसी को कोई दुख ना हो, कोई रो तो नहीं रहा है, पहरा देते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आज तो हमारे पास कोई पदवी आ जाए तो हम किसी को कुछ समझते ही नहीं है क्या? ये तो एक सेवादारी है। मैं कई बार ये बेनती करता हूँ कि गुरुद्वारे के अंदर से एक शब्द निकाल देना चाहिए,
बिल्कुल निकाल देना चाहिए। वो कौन सा शब्द है? प्रधान शब्द गुरुद्वारे से निकाल देना चाहिए। अगर एक आदमी गुरुद्वारे का प्रधान है तो गुरु ग्रंथ साहब जी क्या है? फिर प्रधान का मतलब क्या होता है? एक नंबर आदमी जो सबके ऊपर प्रधान है। अगर एक इंसान प्रधान है तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो दूसरे नंबर पे आ गए। फिर तो वो प्रधान बड़ा हो गया, गुरु ग्रंथ साहब तो दूसरे नंबर पे आ गए। इसको हमें शब्द देना चाहिए। पुरातन समय में जो सेवा करते थे वो लिखते थे मुख सेवादार, मैं एक नंबर का सेवादार हूँ, एक नंबर का। यानी कोई भी काम होगा गुरुद्वारे में सबसे पहले मैं हाजिर होऊंगा। और अभी जब गुरुद्वारों में कोई काम पड़ता है तो एक नंबर वाले तो मिलते ही नहीं है, कहाँ है वो, उनको तो ढूंढना पड़े तो नहीं मिलते वो। और जब स्टेज पर बोलना होता है तो फिर माइक पकड़ के खड़े हो जाते हैं। फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं सब जगह पे यही बात कहता हूँ, मैं कोई किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं जो बात गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मुझे समझाते हैं वो मैं संगत तक पहुँचा देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज पहरा देते हैं, क्यों? सतगुरु ने कहा था कि वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। गुरु होने के नाते उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, चेला होने के नाते उन्होंने अपने खालसे का पहरा दिया है। शूरवीर बचन के बली जो अपने बचनों की पालना करे। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने सिखों की हालत देखते हैं, किसी के केस खुल गए, किसी की दस्तार खुल गई, किसी के सर के नीचे से सराहना निकल गया, किसी की चद्दर उतर गई है, तो महाराज सच्चे पातशाह जैसे एक माँ बच्चों का ख्याल रखती है ना, मेरा गुरु किस तरह से अपने खालसे का ख्याल रखता है। साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमी से, केस उसके झाड़े तो ली खाक उसकी जबी से, सर ठीक किए सर के हुए बालिश जी से, तरतीब दी हर चीज को लाला के कहीं से, हंसा किसी मुर्शद में ये इशार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। अल्लाह यार का जोगी कहता है कि मैं कसम खाता हूँ ऐसा प्यार किसी गुरु पीर में देखने को नहीं मिलता है। महाराज सच्चे पातशाह जी जिन खालसों ने कल जंग में था लड़ना, जिन शूर वीरों ने कल जंग में लड़ना था, महाराज सच्चे पातशाह ने जब उनके हाथ देखे ना तो उनके हाथों में कृपाण चला चला के दुश्मनों से लड़ लड़ के हाथों में छाले पड़ गए और छाले फूट के जख्म बन गए हैं। सर्दी की वजह से वो जख्म जो है सख्त हो गए, उन जख्मों में से खून निकल रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज से रहा नहीं गया, मेरे सच्चे पातशाह ने उन सिखों के हाथों को चूम लिया है। जब महाराज सच्चे पातशाह जी सिखों के चरण देखते हैं ना, उनके पैरों को देखते हैं, नंगे पांव चल चल कर नुकीले पत्थरों से कांटे लगने से पैरों में बड़े बड़े जख्म बन गए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज से रहा नहीं गया, सच्चे पातशाह जी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने सिखों के चरण चूम लिए हैं। चूमा कभी हलकूम दहन चूमने बैठे, जब पाई पी आए तो चरण चूमने बैठे। ऐसा गुरु कभी कोई दिखाई नहीं देगा जिसने अपने सिखों के चरण चूम लिए हो, क्योंकि महाराज ने कहा था कि ये खालसा मेरा अपना रूप है, ये खालसा मेरा गुरु है, कहा था ना खालसे को। तो सिर्फ कहा ही नहीं है, महाराज ने करके दिखाया। गुरु होने के नाते अपने सिखों की संभाल करते हैं और सिख होने के नाते अपने खालसे का गुरु होने के नाते गुरु गोविंद सिंह अपने सिखों के चरण चूम लेते हैं।
गुरबाणी भी कहती है जो दिसे गुर से खड़ा तिस निव निव लागा पाए जियो। भाई गुरदास भी कहते हैं कि मेरी खलो हो मौजड़े गुरसिख हंडांदे मस्तक लगे साध रहन वडभाग जिन्हां दे। किसी साधु की किसी गुरमुख प्यारे के चरणों की खाक अगर हमारे मस्तक पे लग जाए ना तो हमारा जीवन ही तब्दील हो जाए। गुरुद्वारे में जब आप प्रवेश करते हो ना तो सबसे पहले हम दहलीज पर हाथ लगा के अपने मस्तक पे लगाते हैं, इसलिए किसी गुरसिख के चरणों की धूड़ हमारे मस्तक पे लग जाए तो हमारा भी जीवन बदल जाए, इसलिए करते हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं एक विद्वान की। वो कहता है कि अगर तुझे खुदा के दर्शन करने हैं, अगर तुम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो सुरमा कुन तो खाक औलिया ता बाबीनी इफ्त दाता इंतहा। अगर तू चाहता है कि मैं परमात्मा के दर्शन करूं तो किसी ऐसे व्यक्ति के जिसके चरण परमात्मा तक पहुंचे हो, सुरमा कुन तो खाक औलिया, औलिया कहते हैं जिसके चरण खुदा तक पहुंच जाए, जो गुरु का सिख हो, कोई परमात्मा के प्यारा हो, जिसके चरण परमात्मा तक पहुंच गए हैं उसके चरणों की धूल लेकर उसका सुरमा बना के अपनी आंखों में डाल, जो आंखों में अहंकार का पर्दा है वो तेरा दूर हो जाएगा, फिर जिधर देखेगा परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा तुझे, फिर जहां भी देखेगा तू, क्योंकि हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है। माया का पर्दा हमारी आंखों पे, अहंकार का पर्दा हमारी आंखों पर है, वरना परमात्मा कोई दूर थोड़ी है। वो किसी के चरणों की खाक लेकर अपने मस्तक पग लगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह तो अरदास करते हैं कि बद वक्त हमचू बखील गाफल बे नजर बेबाग नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा। महाराज कहते हैं कि हे निरंकार, तेरे चरणों के जो चाकर हैं उनके चरणों की धूड़ मुझे नसीब हो जाए। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अगर अपने खालसे को अगर ये कहा है ना कि मेरा खालसा मेरा अपना रूप है, तो महाराज ने करके भी दिखाया है, सिर्फ कहा ही नहीं है। शूर वीर वचन के बलि, जो अपने वचनों की पालना करता है, महाराज कहते हैं कि वो सबसे बड़ा शूर वीर है, सबसे बड़ा। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अगर अपने खालसे को कहा कि खालसा मेरा गुरु है और मैं अपने खालसे का सिख हूं, तो महाराज ने करके भी दिखाया। जिस वक्त दोनों साहबजादे शहीद हो जाते हैं, सतगुरु के साथ जितने सिख थे वो भी शहीद हो जाते हैं, केवल 8 सिख और गुरु गोविंद सिंह महाराज बच जाते हैं, बस सिर्फ 8 सिख। सिखों ने गुरु गोविंद सिंह महाराज से बेनती की कि सच्चे पातशाह जी आप किला छोड़ के चले जाओ। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता है, कि मैं तो इस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि कब मैदाने जंग में ऐसा मौका आए कि गुरु गोविंद सिंह खुद जाकर लड़े, कब ऐसा मौका आए। और तुम कह रहे हो कि मैदाने जंग छोड़कर चले जाओ। कल जब सुबह होगी तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह लड़ेंगे। प्यारे दया सिंह जी बड़ी चिंता में पड़ गए, सिखों के साथ आकर विचार किया कि महाराज तो कह रहे हैं कि कल सबसे पहले अब गुरु गोविंद सिंह लड़ेंगे, बाहर फौज बहुत ज्यादा है, 10 लाख फौज है बाहर। गुरशनह चिकारे कुनद चिहल नर कि दहलक बरायत बरो बेखबर, महाराज ने लिखा है 10 लाख की फौज और सिर्फ 40 सिख, 2 गुरु के साहबजादे और गुरु गोविंद सिंह महाराज हैं।
भाई साहब जी विचार करते हैं कि अब क्या करें। अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाहर चले गए तो यकीनन शहीद हो जाएंगे, क्योंकि गिनती बहुत ज्यादा है बाहर। आपस में जब विचार किया तो उन्होंने कहा कि गुरु ने कभी हमें ये मान दिया था, सत्कार दिया था कि खालसा मेरा गुरु है, तो क्यों ना आज हम अपने उस दिए हुए अधिकार का प्रयोग करें। दरअसल सिख चाहते थे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज बच जाएं, क्योंकि सिख जानते हैं कि अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज बच गए तो हमारे जैसे लाखों सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज पैदा कर सकते हैं। अगर हम लाखों मिल जाएं तो भी एक गुरु गोबिंद सिंह पैदा नहीं कर सकते हैं हम। उनकी ये मन की इच्छा थी। उन्होंने जाकर कहा कि महाराज सच्चे पातशाह जी, आपने कभी कहा था कि ये खालसा मेरा रूप है, खालसा गुरु है और मैं खालसे का सिख हूँ। महाराज आज खालसा आपको हुक्म सुनाने आया है। देखो दुनिया के इतिहास में भी ये पहली घटना है कि जब गुरु के सिख अपने गुरु को हुक्म सुना रहे थे। गुरु के सिख, महाराज ने कहा ठीक है खालसा हुक्म सुनाए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक बेनती है मेरी। भाई दया सिंह जी कहते हैं महाराज वो हुक्म ही क्या हुआ जो फिर आगे से कोई रिक्वेस्ट कर दे, बेनती कर दे। महाराज खालसा आजाद है अपना हुक्म सुनाने के लिए, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हाथ जोड़ दिया, ठीक है जो खालसा हुक्म सुनाएगा मैं उसको मानूंगा। प्यारे दया सिंह जी कहते हैं कि ये खालसे का हुक्म है कि आप इस चमकौर को छोड़कर चले जाओ यहाँ से। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे का हुक्म प्रवान किया, क्योंकि महाराज ने कहा था कि ये खालसा मेरा गुरु है, आप ही गुरु चेला। फिर सतगुरु जी ने भाई संतोख सिंह के शीश के ऊपर अपने शीश से कलगी उतार कर भाई संतोख सिंह के शीश पर सजा दी। कैसा समा होगा जब गुरु ने अपनी कलगी उतार कर अपने सिख के शीश पर सजा दी हो, क्योंकि जो भी वचन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहे हैं, सदगुरु कहते हैं कि उस वचन के ऊपर पालना करना यही किसी मर्द का काम हो सकता है, किसी इंसान का काम हो सकता है। गुरबाणी कहती है कि जो वचनों की पालना नहीं ना करता उसको तो हम इंसान ही नहीं समझते हैं, वो तो कच्चे हैं इंसान, उनको तो इंसान कहना ही नहीं चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज को अनंतपुर साहब में जब घेरा डाल रखा था ना, 8 महीने तक घेरा डाले रखे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज का कुछ बिगाड़ नहीं सके वो। तो बाहर जो पहाड़ी राजा थे और जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने विचार बनाया कि किसी तरीके गुरु गोविंद सिंह को इस किले से बाहर निकालो। 8 महीने से बैठे हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सके गुरु का, किसी तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। तो जो हिंदू राजा थे उन्होंने आटे की गऊ बनाकर, आटे की गाय बनाकर एक थाल के अंदर रख के, साथ में एक गीता रख के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि महाराज हम गाय की और गीता की कसम खाते हैं, आप अनंतपुर साहब का किला छोड़ के चले जाओ, हम आपके पीछे नहीं आएंगे, समय ठीक हो जाएगा आप फिर वापस आ जाना, कसम खाई उन्होंने। जो मुगल राजा थे उन्होंने कुरान शरीफ की कसम खाई है, चिट्ठी लिखी थाली के अंदर, मेरा ऐसे पढ़ने में भी आया कि औरंगजेब के दस्तखत थे उसके कुरान के ऊपर भी, हम कसम खाते हैं कुरान शरीफ की कि आप किला छोड़ के चले जाओ, हम आपके पीछे नहीं आएंगे, कसम खाते हैं हम। सिखों ने कहा महाराज अब तो ये कसम खा रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए, मानना चाहिए हमें, क्यों ना हम किला छोड़ के चले जाएं,
महाराज कहते हैं इनकी कस्में झूठी हैं सब, इनकी जो कस्में हैं ना सब झूठी हैं। सिखों ने कहा नहीं महाराज, अपने धर्म की कसम खा रहे हैं, गीता की कसम खाई, कुरान शरीफ की कसम खा रहे हैं, इतनी बड़ी हिमाकत तो कर नहीं सकते भी अपने ग्रंथ की कसम खा जाएं। महाराज कहते हैं देखना चाहते हो? सिखों ने कहा महाराज दिखा दो। आनंदपुर साहब के किले के अंदर जितना भी पुराना सामान था ना, जो मरे हुए पशुओं की हड्डियां थी, टूटी फूटी जो जूतियां थी, जो जानवरों की अंदर गंदगी थी, फटे पुराने कपड़े थे, सभी महाराज ने पोटलियां बांधकर उनके ऊपर रेशमी रुमाले बिछा दिए और बैलों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर लादकर महाराज ने कहा भी बाहर ऐलान कर दो, पहले हमारा खजाना बाहर जाएगा फिर हम बाहर निकलेंगे। खजाना तो था नहीं उसमें, सब फटे पुराने कपड़े और जूतियां थी उसमें। जिस वक्त ये खजाना बाहर निकला है, जिन्होंने कसम खाई थी गीता की और जिन्होंने कसम खाई थी कुरान शरीफ की, अपनी कसमों को भुलाकर लालच में आकर ये जो खजाना जा रहा था ना, इन मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने उस खजाने को लूट लिया। जब उन्होंने खोल के देखा तो उसमें से सिर्फ गंदगी निकली है। उसमें से जब आदमी बेईमानी करता है ना, तो उसके हाथ में फिर गंदगी आती है और कुछ नहीं आता। महाराज कहते हैं तुमने देख लिया, इन्होंने कसमें खाई थी। सदगुरु कहते हैं कि कुरानंग नादानंग के यजदा शनाश, बरा मज्जतो का रहा दिल खराज। ऐ औरंगजेब, चाहे तू कुरान की कसम खाता है, पांच वक्त का तू नमाजी है, जकात भी देता है, तू रोजे भी रखता है, पर तेरे दिल के अंदर खराश है। जो तू बोलता है वो तू करता नहीं है, जो तू करता है वो तू बोलता नहीं है। जो अपने वचनों की पालना करे वो शूरवीर है, शूरवीर वचन के बलि, गुरु गोविंद सिंह महाराज। सतगुरु कहते हैं कि हमो मर्द बायद शब्द सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। जो आदमी अपने वचनों की पालना नहीं करता है, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं हम उसको इंसान ही नहीं समझते हैं, हम उसे इंसान ही नहीं समझते। अगर सदपुरा बखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। महाराज कहते हैं औरंगजेब, अगर तू 100 कसमें भी खाए कुरान की, तो मैं एक श्वास भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि जो तू बोलता है वो तू करता नहीं है, जो करता है वो तू बोलता नहीं है। अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। अंदर कुछ और चलता है और बाहर कुछ और चलता है। गुरु गोविंद सिंह चाहे गीता को नहीं मानते हैं, गुरु गोविंद सिंह चाहे कुरान शरीफ को नहीं मानते हैं, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों की कसमें खाई थी, उन्होंने अपने वचनों को तोड़ा और उस खजाने को लूटा। गुरु गोविंद सिंह महाराज बाहर निकले, पीठ पीछे से उन्होंने हमला किया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुरान शरीफ का और गीता का इतना सत्कार किया। सतगुरु जानते भी थे कि इनकी कसमें सब झूठी हैं, लेकिन फिर भी सच्चे पातशाह ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज हर धर्म का सत्कार करते हैं। वो जिन्होंने कसमें खाई थी उन्होंने सत्कार नहीं किया है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सत्कार किया, क्योंकि सतगुरु ने कहा था कि मेरा तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि धर्म का प्रकाश करना है। तो महाराज ने किसी धर्म की बेअदबी नहीं की है, किसी की उल्लंघना नहीं की है। खैर बहुत लंबा हो जाएगा, एक दो पंक्तियां मैं और श्रवण कराना चाहता हूँ। जो अपने वचनों की पालना करता है उसको कहते हैं कि ये शूरवीर है,
गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जितने भी वचन अपने खालसे से या दुनिया से किए थे, महाराज ने एक एक वचन को निभा कर दिखाया है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज शूरवीर हैं। फिर कबीर साहब का एक श्लोक है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। शूरवीर उसको समझ लो जो किसी गरीब के लिए लड़ना जानता हो, किसी गरीब के लिए। यहाँ जो दीन शब्द आया ना, ये दीन शब्द यहाँ पर संस्कृत का शब्द है। ये अगर ये दीन शब्द उर्दू फारसी का होता तो फिर इस दीन के अर्थ बन जाते मजहब धर्म। जैसे हम पढ़ते हैं कि दीन बिसारियो रे दीवाने दीन बिसारे, यहाँ दीन शब्द उर्दू फारसी का है। इसके अर्थ हैं कि दीन बिसारियो, तूने अपने धर्म को बिसार दिया है। दीन गवाया दुनी स्यो दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गफल अपने हाथ। यहाँ दीन उर्दू फारसी का शब्द है ये। लेकिन दीन शब्द अगर संस्कृत का हो तो उसके अर्थ बन जाते हैं कोई गरीब व्यक्ति, कोई निमाना और निताना व्यक्ति, जिसके पास कोई ताकत ना हो, जिसका संसार के अंदर कोई मान सम्मान ही ना हो, उसको कहते हैं दीन। कबीर साहब कहते हैं कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, शूरवीर उसको समझ लो जो किसी गरीब के लिए लड़ता है। और लड़े भी कैसे, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। पुरजा पुरजा सिर से लेकर पैर तक उसका शरीर जख्मी हो जाए, खून निकलता हो शरीर के हर अंग से, लेकिन उसके कदम जो हैं वो आगे की तरफ बढ़े पीछे ना आए, किसी गरीब के लिए लड़ता हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जितने भी जंग लड़े हैं ना, सारे के सारे जंग सतगुरु ने धर्म की खातिर लड़े हैं, गरीबों की खातिर लड़े हैं। अपना उनका कोई उसमें लालच नहीं था, उनका कोई भी लाला दौलत राय हुए हैं जिन्होंने किताब लिखी है स्वान उमरी गुरु गोविंद सिंह। ये आर्य समाज के अनुयायी थे, स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज का जीवन पढ़कर इतने मुतासिर हुए, इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने इससे पूछा कि तू स्वामी विवेकानंद का चेला है तो तुझे स्वामी विवेकानंद का जीवन लिखना चाहिए, और तू जीवन लिख रहा है गुरु गोविंद सिंह का, ऐसा क्यों? पता है उसने क्या जवाब दिया? कहता है किसी अधूरे व्यक्ति का इतिहास लिखने में कोई मजा नहीं है, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास लिखूंगा जिनका जीवन दुनिया के हर पक्ष से पूरा उतरता है, जिनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का जीवन लिखना है मुझे, जिनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी है ही नहीं है, हर तरफ से जो संपूर्ण है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज। उसने जो किताब के आरंभ में लिखा है ना, वो लिखता है कि परमात्मा की जब सारी कला इकट्ठी हुई, परमात्मा की जब सारी कला इकट्ठी हुई तो एक मूर्त बनी, उस मूर्त का नाम है गुरु गोविंद सिंह। वो कहता है परमात्मा का जब सारा ज्ञान इकट्ठा हुआ तो एक मूर्त बनी, उस मूर्त का नाम है गुरु गोविंद सिंह। परमात्मा का जब सारा ज्ञान इकट्ठा हुआ तो एक मूर्त बनी, उस मूर्त का नाम है गुरु गोविंद सिंह। सतगुरु के जो 52 कवि थे ना, उसमें एक कवि था जमाल हुसैन, उसने तो कह दिया कि गुरु गोविंद सिंह तो
परमात्मा का रूप है, परमात्मा के अंदर कोई कमी नहीं है। तजल्ला तेरी जात का सू बसू है। तजल्ला कहते हैं परमात्मा के शीश का जो मुकुट है, जो सिंगार है, वो गुरु गोविंद सिंह है। परमात्मा के शीश का जो मुकुट है वो गुरु गोविंद सिंह है। तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। दीदारे खुदा गर नहीं जिसने देखा, गोविंद सिंह को देखो वही हूबहू है। गुरु गोविंद सिंह खुदा का रूप है, परमात्मा का रूप है। लाला दौलत राय कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह एक मुकम्मल मूर्त है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। उन्होंने जो उस किताब के अंदर लिखा है, वैसे हमें किसी से भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें हर अवतार का अपना एक उपदेश होता है, उसका अपना एक जीवन होता है, लेकिन लाला दौलत राय ने ऐसा किया है। हम किसी की लकीर को मिटा के उसको छोटा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी लकीर अगर बड़ी है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम किसी की लकीर को मिटाएंगे नहीं, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप छोटे हैं, लेकिन हमारा गुरु बड़ा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लाला दौलत राय कहते हैं कि मेरा ध्यान चला जाता है त्रेते युग के अंदर, जहां पर रामायण की एक जंग हुई है, क्योंकि वो लिखता है कि दुनिया में तीन विद्वान ऐसे हुए हैं, एक विद्वान हुआ है विदर, एक चाणक्य और एक भर्तरी। इन्होंने तीनों ने ही राजनीति के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उन ग्रंथों को पढ़ा जाता है, राजनीति के ग्रंथ। उन्होंने उसमें लिखा है कि युद्ध लड़ने के सिर्फ तीन कारण हैं, चौथा कोई कारण नहीं है। सिर्फ तीन कारण हैं, जर, जोरू और जमीन। जर कहते हैं धन को, अगर लड़ाई होती है तो धन के लिए होती है। जोरू कहते हैं स्त्री को, या फिर स्त्री के लिए लड़ाई होती है। जमीन या अपनी जमीन के लिए आदमी लड़ता है, राजे महाराजे अपनी हदों को बढ़ाने के लिए लड़ते थे। चौथा जंग लड़ने का कोई कारण नहीं है। फिर उसने प्रमाण दिए हैं, कहता है कि मेरा ध्यान चला जाता है त्रेते युग के अंदर, जहां रामायण की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई है। वो कहता है कि जब मैं इस युद्ध का कारण तलाश करता हूं, तो इस युद्ध का कारण है सिर्फ एक स्त्री का, और कोई कारण नहीं है। वो स्त्री कौन है? रावण की बहन स्वरूप नखा। अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो राम और रावण का युद्ध लड़ने का और कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है। उस वक्त मर्यादा थी स्वयंवर करने की, स्वयंवर, लड़कियां अपना पति खुद चुन लेती थी, समाज में ऐसी खुली छूट थी। लेकिन कुछ केस बिगड़ने लग गए थे तो फिर इस मर्यादा को बंद करना पड़ा। स्वरूप नखा ने देखा कि जंगल के अंदर दो राजकुमार बड़े खूबसूरत, राम और लक्ष्मण। उसके मन में इच्छा जागृत हुई भी क्यों ना मैं इस राजकुमार से विवाह कर लूं, क्योंकि स्वयंवर का जमाना था, अपना पति खुद चुन लेते थे। स्वरूप नखा ने जाकर लक्ष्मण से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने कहा भी मैं तो जती हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता, तुम राम से बात करो। स्वरूप नखा राम के पास चली गई, वो भी बहुत खूबसूरत है। उसने राम से कह दिया भी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने कहा भी मेरा विवाह हो चुका है, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ में है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूँ, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण राम के पास भेज देता है, राम लक्ष्मण के पास भेज देता है,
लक्ष्मण को चढ़ा क्रोध। उसने कहा, जिस खूबसूरती का तुझे अहंकार है ना, मैं तेरी खूबसूरती को बदसूरत में बदल देता हूँ। तलवार से उसने स्वरूप नखा की नाक काट दी है। विद्वान कहते हैं कि ये पहली गलती लक्ष्मण ने की है। फिर उसने अपने मन की भावना रखी थी, उसकी भावना थी भी मैं विवाह करना चाहती हूँ, तो मना कर दो, किसी का नाक काट देना ये कहाँ का इंसाफ है। ये पहली गलती लक्ष्मण ने की है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का अगर हम इतिहास पढ़ें तो सच्चे पातशाह के पास एक अनूप कौर नाम की स्त्री जो बहुत खूबसूरत थी, वो उसने आके गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहा भी, सच्चे पातशाह जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे कुख से, मेरे गर्भ से आप जैसा शूर वीर पुत्र पैदा हो। बड़े ध्यान से सुनना है, मेरे गर्भ से आप जैसा कोई शूर वीर पुत्र पैदा हो। अब भाव तो उसके भी यही थे भी आप मेरे साथ विवाह करो तो आप जैसा पुत्र मेरे घर भी पैदा हो। कहने का मतलब तो यही था उसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसकी नाक काट दी हो। महाराज ने सिर्फ एक वचन कहा बस, वे मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो मुझे ही अपना पुत्र बना ले। मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, तो मुझे ही अपना पुत्र बना ले। उसके मन में जो ख्याल आए थे ना, सदगुरु के एक वचन ने उसकी सारी मलिनता को दूर करके रख दिया। उसने चरणों में मत्था टेक दिया, महाराज भूल हो गई मुझसे। लेकिन लक्ष्मण ने ये गलती की है, किसी की नाक काट देना ये कहाँ का इंसाफ है। और हिंदुस्तान के अंदर बहन की बेइज्जती कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। हिंदुस्तान के अंदर राम की बहन की बेइज्जती हुई, उसकी नाक काट दी। राम ने कहा भी, मेरी बहन की नाक काटी है, मैं राम की नाक काट दूंगा। वो किसी की पत्नी को उठा के ले आना अगले बंदे की नाक काटने के बराबर है ना, और तो कुछ नहीं है। लाला दौलत राय कहते हैं कि अगर रामायण की जंग का कारण तलाश किया जाए तो कारण है सिर्फ एक स्त्री स्वरूप नखा, और कोई कारण नहीं है। फिर वो कहता है कि मेरी दृष्टि चली जाती है महाभारत में, द्वापर युग में, जहां महाभारत का 18 दिन तक जंग हुआ, लाखों की तादाद में लोग कत्ल हुए उस जंग के अंदर। कहता है जब मैं इस युद्ध का कारण ढूंढता हूं कि इसका कारण क्या है, इतना बड़ा ये युद्ध हुआ महाभारत, तो वो कहता है कि इसका कारण भी सिर्फ एक स्त्री है बस, और कोई कारण नहीं है। वो स्त्री कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी बड़ी अच्छी संगीतकार थी और बड़ी अच्छी चित्रकार थी, वो चित्रकला बहुत अच्छी बनाती थी। पांडवों ने एक नया महल बनाया था, अपने महल में उन्होंने एक सरोवर बनाया, सरोवर के ऊपर द्रौपदी ने कुछ ऐसे रंग बिखेरे, था तो उसमें पानी, लेकिन वो ऐसा लगता था जैसे कोई बगीचा है। बीच में उसके रास्ता बनाया, आसपास उसके फूल बनाए, घास बनाई, बीच में उसके रास्ता था। दुर्योधन आया थोड़ा जल्दी में, क्योंकि वहाँ पर महल का उद्घाटन होना था, दुर्योधन को भी बुलाया था। दुर्योधन आया थोड़ा जल्दी में, उसने देखा भी सामने ही रास्ता है, रास्ता तो था नहीं, पानी था वहां पर। जैसे ही दुर्योधन ने पैर रखा तो उसका पैर पानी में गया और वो सरोवर में डूब गया। तैरना जानता था इसलिए बच गया, लेकिन द्रौपदी सामने से देख रही थी। द्रौपदी पहले तो बहुत जोर से हंसी है, किसी की बेइज्जती के ऊपर हंसना, गुरबाणी कहती है ये हंसना तेरा मैला हंसा है, मैली हंसी है। किसी की बेइज्जती हो गई है और हम हंस रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है।
कोई बुजुर्ग आदमी गिर जाता है, उसकी दस्तार खुल जाती है, अगर हम हंस रहे हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी आदमी को घाटा लग गया है बिजनेस के अंदर और हम अगर उसका मजाक बना रहे हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हंसते तो परमात्मा के भगत भी हैं, हंसते तो वो भी हैं, पर वो कैसे हंसते हैं? रंग हंसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी, बाज सच्चे नाए। हम देखते हैं दूसरों को दूसरों को देखकर हम हंसते हैं, दूसरों की बेइज्जती पर हंसते हैं हम, लेकिन भक्त अपने अंदर देखकर हंसता है, भाई इतना परमात्मा के नाम में आनंद था और मैंने इतना जीवन व्यर्थ में ही गवा दिया है, मेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो उनकी हंसी निकल जाती है जब वो अपने आप को देखते हैं। तो हंसते परमात्मा के भक्त भी हैं। गुरबाणी कहती है कि किसी की बेइज्जती पे कभी मत हंसना, क्यों? अजय सो नाव समुद्र में क्या जाना क्या हो, तू भी तो इस संसार में है ना, अगला आने वाला पल पता नहीं कैसा होगा। अगर आज तू हंसा है, कल हो सकता है कि लोग तेरे ऊपर हंसे। हंसना नहीं चाहिए, लेकिन वो हंसी, दुर्योधन बड़ा था, पिता समान था, उसे हंसना नहीं चाहिए था, बताना चाहिए था कि आपने गलती की है। फिर उसकी जुबान से एक शब्द निकला है, उसने कहा कि अंधे का अंधा, अंधे का पुत्र अंधा ही है, चाहे तेरे पास आंखें हैं लेकिन फिर भी तू अंधा ही है। द्रौपदी को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। धृतराष्ट्र बड़ा था, पिता के समान था, दुर्योधन भी बड़ा था, इस तरह के शब्द कहकर उसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन द्रौपदी के ये शब्द दुर्योधन के कलेजे में ऐसे उतर गए। एक विद्वान कहता है कि जख्म तलवार के गहरे भी हों तो मिट जाते हैं, जख्म तलवार के गहरे भी हों तो मिट जाते हैं, कलाम बद दिल में उतर जाते हैं भालों की तरह। तलवार के जख्म तो आदमी के फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन अगर कोई शब्द का बाण मार देना, सारी जिंदगी वो जख्म उसका हरा नहीं होता, वो जख्म कभी ठीक नहीं होते हैं। और हम देखते हैं कि किसी का एक शब्द अगले आदमी को रुला के रख देता है, एक शब्द। इसलिए गुरबाणी कहती कि जब भी कभी बोलो तो बड़ा सोच समझ के बोलो, क्योंकि बोलने से ही सबसे ज्यादा पाप हमारे बढ़ते हैं। 10 पाप विद्वानों ने माने हैं, 4 पाप केवल जुबान के पाप हैं, 4 पाप वही बार बार रिपीट होकर लाखों करोड़ों बन जाते हैं। द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे का अंधा ही है ये। दुर्योधन ने कहा कि आज तू मेरे ऊपर हंसी है, मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि जिंदगी भर तू खून के आंसू रोएगी, तू मैं ऐसा माहौल बना दूंगा। और आप सब जानते हैं कि पांडवों ने जुआ खेला। देखो, पांडव जुआ खेलने के बाद भी देवता हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलता है, तो फिर आम आदमी अगर खेले तो हम उसको तो कुछ ना कहें, क्योंकि देवते ही जुआ खेल रहे हैं, वो फिर भी देवता है। फिर आम आदमी तो फिर और बढ़ चढ़ कर खेले। फिर जुआ भी कोई छोटा मोटा नहीं खेला, अपना सारा राज्य हार गए, सेना हार गए, खजाना हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को, उसको भी जुए में हार गए। आम आदमी अगर खेले तो इतना बड़ा तो नहीं ना खेलता कि अपनी पत्नी को ही हार जाए। तो धर्मराज के लिए अपनी पत्नी भी एक वस्तु है जिसे जुए में हारा जा सकता है, जुए में जीता जा सकता है। जब कई बार किसी से विचार होता है ना, तो वो कहते हैं कि नहीं, कौरवों ने पांडवों को मजबूर कर दिया था जुआ खेलने के लिए, वो खेलना नहीं चाहते थे,
मैंने कहा मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं ज्ञानी जी शराब पीनी तो नहीं थी पर मित्रों ने थोड़ा जबरदस्ती किया और मैंने पी ली है। मित्रों ने जबरदस्ती की। जब तक आदमी के अंदर इच्छा ना हो कोई आदमी कोई पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि गुरबाणी कहती है कि जो जी होए सो उगवे मुँह का कहे आवाओ। जो बीज धरती में होगा वही बाहर निकलेगा। तेरे मन में इच्छा थी, किसी ने तुझसे कहा और तू राजी हो गया, बस इतनी सी बात है। जुआ खेलते थे वो जुए के आदि थे, द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं। जिसने जुए में द्रौपदी को जीता है अब उसकी मर्जी है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, दुर्शासन दुर्योधन दी सभा विच मथे बाल द्रौपदी आंदी। बालों से पकड़कर द्रौपदी को लेकर आए, भरी सभा में उसको नग्न करने का हुक्म दे दिया। लेकिन द्रौपदी को ये मान था कि यहाँ इतने बड़े बड़े शूरवीर बैठे हुए हैं, किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ भी लगा जाए। उसकी निगाह चली जाती है भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह जो उस वक्त का सबसे ताकतवर इंसान था, जिसे इच्छा मृत्यु का वर भी मिला हुआ था, लेकिन जब द्रौपदी ने देखा तो उसने भी अपनी आंखें नीचे कर ली है, बोलने की हिम्मत नहीं हुई है। उसने कहा चलो इसकी कोई मजबूरी हो सकती है, मेरे गुरु बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरु कृपाचार्य बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई है। एक स्त्री को भरी सभा में नग्न किया जाता है और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि बोले, वो उसको रोकें, जबकि वो द्रौपदी उनकी रिश्तेदार है। वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के राज में किसी भी स्त्री को अगर किसी ने माड़ी निगाह से भी अगर देखा है तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उसका सर कलम कर दिया। बोले सोन्या, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत बचा कर लाए हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे भक्त, लेकिन वहां किसी की हिम्मत नहीं होती है। महाभारत की जंग हुई, लाला दौलत राय कहते हैं कि इस जंग का कारण है एक स्त्री और वो है द्रौपदी। कहता है कि फिर मेरी निगाह चली जाती है कलयुग के अंदर, जहां चमकौर के मैदान में 40 भूखे प्यासे सिख, 2 गुरु के साहबजादे श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज और 10 लाख की फौज है और उनमें मुकाबला होता है। कहता है अगर मेरे सामने वो तीनों विद्वान होते ना, कौन? चाणक्य, विदुर और भर्तरी, जिन्होंने युद्ध के 3 कारण बताए, जर जोरु और जमीन। चौथा युद्ध का कोई कारण नहीं है। लाला दौलत राय कहते हैं कि अगर वो तीनों विद्वान आज मेरे सामने होते तो मैं उनको बताता कि युद्ध लड़ने का एक चौथा कारण भी है और वो चौथा कारण है किसी गरीब के लिए लड़ना, मैं उनको बताता। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाड़े खेत। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 14 जंगे लड़ी है, इस देश को आजादी दिलाई है। उन लोगों को जिनको सड़क पे चलने का भी अधिकार नहीं था, महाराज ने कहा कि इन गरीब सिखन को देव पातशाही याद रखें हमरी गुरियाई। जिनको बाजार में चलने का भी हुक्म नहीं था, महाराज ने उनको बादशाह बना दिया है, पातशाह बना दिया है उनको। जब माता साहिब कौर जी ने पूछा था दमदमा साहब की धरती के ऊपर, बे सच्चे पातशाह जी मेरे साहबजादे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चारों साहबजादे शहीद हो चुके थे, महाराज मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि बच्चे तो सामने बैठे हुए हैं। माता जी देखते हैं सबकी तरफ भी, बच्चे कहाँ हैं मेरे,
ये तो सारे सिख बैठे हुए हैं। महाराज मेरे बच्चे कहाँ हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। इन हजारों को जिंदगी देने के लिए मैंने अपने चारों बच्चे कुर्बान कर दिए, ये सारे भी तो मेरे ही बच्चे हैं। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। जो किसी गरीब के लिए लड़ता हो, महाराज कहते हैं वो शूरवीर है, और वो शूरवीर गुरु गोविंद सिंह महाराज हैं। ऐसी शूरवीर। चलो मैं दो चार मिनट और लगाता हूँ। जब मैं गुरुद्वारे में आया था ना, तो भाई साहब से पूछो, आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैंने एक गोली खाई, आके अरदास की भी सच्चे पातशाह इस गरीब सिख की इस निमाने की लाज रखना, आज की सेवा भी निभा लूं। संगत बहुत प्यार करती है। सतगुरु ने देखो कितना समय, शायद सवा घंटा से ऊपर हो गया कथा करते हुए, पर मेरा मन करता है मैं दो चार मिनट और लगा दूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज की एक मुकम्मल मूर्त एक मुसलमान लिखारी हुआ है, जिसका नाम है मोहम्मद शाह लतीफ। मुस्लिम लिखारी है, उसने गुरु गोविंद सिंह का जीवन लिखा है। उसने वो लिखता है कि मैं गुरु गोविंद सिंह का जीवन जब लिखने लगा, तो जो ही लिखना शुरू किया तो फिर मैंने कलम रख दी। लोगों ने पूछा भी तूने बड़ी तैयारी की थी कि गुरु गोविंद सिंह का जीवन लिखूंगा, फिर तूने कलम रख क्यों दी है? तो लिखने वाला था, लिख। पता है उसने क्या कहा है? कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का कोई एक रूप हो तो मैं लिखूं उसको। गुरु गोविंद सिंह का कोई एक रूप हो तो मैं उसको लिखूं। लोगों ने पूछा भी समझ नहीं आई तेरी बात। कहता है कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह का रूप देखता हूँ, जब मैं लिखने लगता हूँ ना, तो मेरे सामने तस्वीर आ जाती है गुरु गोविंद सिंह की। पांवटा साहब के अंदर महाराज गुरबाणी लिखते हैं। तो कहता है मुझे ऐसा लगा कि गुरु गोविंद सिंह तो कोई कवि हैं। तो मैं लिखने लगा कि गुरु गोविंद सिंह एक कवि है। कहता है जब मैं कवि की व्याख्या लिखने लगा, तो मेरे सामने एक और तस्वीर आ गई। गुरु गोविंद सिंह तो सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सोने के छतर झूल रहे हैं, चवर झूल रही है, लोग सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहता है मैंने सोचा गुरु गोविंद सिंह तो कोई बादशाह है। जब मैं बादशाह की बात लिखने लगा, तो कहता है कि एक तस्वीर और मेरे सामने आ जाती है। गुरु गोविंद सिंह के चरणों में लाखों ही संगत मत्था टेक रही है। गुरु गोविंद सिंह हर एक की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। कहता मैंने सोचा भी गुरु गोविंद सिंह तो कोई दरवेश है, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। कहता जब मैं दरवेश की बात लिखने लगा, तो एक तस्वीर मेरे सामने और आ गई कि गुरु गोविंद सिंह तो पांच प्यारों को अमृत पान करा रहे हैं। मैंने सोचा ये तो कोई गुरु है। तो जब मैं गुरु की बात लिखने लगा, तो एक तस्वीर मेरे सामने और आ गई, गुरु गोविंद सिंह पांच प्यारों से अमृत मांग रहे हैं। कहता भी मैंने सोचा भी गुरु गोविंद सिंह तो एक सिख है। जब मैं सिख की बात लिखने लगता हूँ, तो कहता है एक और तस्वीर मेरे सामने आ जाती है। गुरु गोविंद सिंह के हाथ में कृपाण है, मैदाने जंग के अंदर दुश्मनों को सजाएं दे रहे हैं। कहता है मैंने सोचा कि गुरु गोविंद सिंह तो कोई शूरवीर है। कहता है जब मैं शूरवीर की गाथा लिखने लगा, तो मेरे सामने फिर हेमकुंड की तस्वीर आ जाती है। गुरु गोविंद सिंह के हाथ में माला है और निरंकार के साथ जुड़े हुए सिमरन कर रहे हैं। कहता है मैंने सोचा गुरु गोविंद सिंह तो कोई संत है, गुरु गोविंद सिंह कोई संत है।
कहते मैंने कलम ही रख दिए, पता नहीं कितने रूप हैं गुरु गोविंद सिंह के। अगर मैं शूरवीर की गाथा लिखूं तो संत की रह जाती है, अगर संत की लिखता हूं तो वो गुरु भी है, वो चेला भी है, वो दरवेश भी है, वो बादशाह भी है। कहता मेरी कलम में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं गुरु गोविंद सिंह का जीवन लिख सकूं, इसलिए मैंने कलम ही रख दी है। कहता मैं नहीं लिख सकता। फला यार खां जोगी कहता कि अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। गुरु गोविंद सिंह की जितनी भी तारीफ की जाए वो ऐसे होगा जैसे समुद्र में से एक बूंद किसी ने निकाली होगा, ऐसे होगा। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसब कहां ताबे रकम है। कहता मेरी कलम में ये ताकत ही नहीं है कि मैं गुरु गोविंद सिंह का जीवन लिख सकूं। मैं अल्लाह यार खां जोगी मारे सच्चे पातशाह जी कृपा करें, जितना मैंने आपको श्रवण कराया है ना, ये सब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पर रख कर अपनी सेवा सदगुरु ने आप कराई है, वरना मैं किसी लायक नहीं हूँ। आप संगत की अरदास प्यार ने ये सेवा निभा ली है। जितना दास ने श्रवण कराया है, एक बूंद तो फिर भी बहुत बड़ी होती है, उस बूंद का भी एक लाखवां हिस्सा है जो दास ने आपको श्रवण कराया है। लेकिन अरदास करना सच्चे पातशाह, जब तक मेरे श्वास चलते रहें, आपकी गाथाएं गाते हुए संगत की सेवा करते हुए मेरा जीवन इसी तरह से व्यतीत हो। आओ 2 मिनट केवल सिमरन करेंगे ताकि सतगुरु जी का प्रकाश हमारे हृदय में हो। और मैं माफ़ी पहले मांग लेता हूँ, बाद में सीधा ही आपसे फतेह लेकर फिर वेरावल जाना है, वहाँ से फिर जूनागढ़, जूनागढ़ से फिर ग्वालियर, उसके बाद जहाँ सतगुरु जी लेकर जाएंगे। आओ 2 मिनट सिमरन करते हैं केवल। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। इस तरह से आप रोजाना सिमरन करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का और आप सारी संगत का, विशेष तौर पर पैसा भाई सुनील जी, पैसा भाई शांतिलाल जी और ज्ञानी महेंद्र सिंह जी, जिनके उद्यम उपराले से आप संगत के दर्शन हुए हैं। विचार करते हुए कई बातें मुंह से गलत निकल जाती हैं। संगत बख्शन योग है, बख्श लेना, फिर कभी समा मिला जरूर आपके चरण पर सिंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साथ में खूब खूब धन्यवाद भाई साहब जन जो भाई मनमोहन सिंह ने माना। अगले साल भी बेनती प्रवान करे आया, इन साल भी गुरु गोविंद सिंह महाराज जन जे गुरपुरबते पैंजी बेनती प्रवान करे पहुता। अज इन्हें जो इन दफे जो आखिरी दीवान सतगुरु दया कन अगते भी जेके संजोग भया, जेको भी समो मिलो समागम 15 तारीख का जेके आयन आरंभ आयन पैरी